ये मेरा लोकल आदमी है, मैं इसके सामने तो झूठ नहीं बोल सकता तुम्हारे से। देखो मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। आपने उसी मेरे को बाहर क्या बोले, रोहित भाई हम तीन लोग हैं, बोले रुकना पड़ेगा, बोले मेरे को सबको पूछने दो, बोले रोहित भाई नहीं पूछना तो पड़ता है मेरे को, किसी से बात करें मेरे को मैं साथ को पूछना पड़ेगा, मेरे को डीवीएसपी साहब से चर्चा करें क्योंकि उनके पास सी जाता सब एप्लीकेशन जाता, पूछना पड़ेगा। लेकिन कैसे तुम्हारे तरफ से अगर मेरे कुछ बताएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। आप बोल दो ना, तो आप बोल दो ना, अरे घर के जैसा पूछा यार, मैं तो आप बोल रहा हूं, आप बोल दो। उस दिन इतने बड़े डीसीपी के साथ को बात कराया, उन्होंने आपको बोला था आप माजा मित्र करूं दिया। अरे अरे आदा मैं फ्रेंड को सागर है हम आदा डीबी डीसीपी साहब से बात आने का पैसे की गोष्ट करू का और देखो गवर्नमेंट हमको घूमने फिरने के पैसे नहीं देती भाई, ये हमारे जब्बे से लगा कर लेंगे तीन चार दिवस करून टाकू बाकी चल मी ठानदार साहेब मैं बता दू साहब वो आ जाएंगे अपन साहब से मुलाकात करने वो कैसे है हम ऐसे किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आरोपी से तो नहीं कर सकते, तुमको बता रहा ये कैसे रहता है, ये मैटर चिल्डर मैटर रहती है, तुम्हारा नहीं हुआ सेटल में तो हमारे ऊपर आता समझे कि तुम क्या बोलेंगे दस लोगों को, अरे पासन साहब को तो मैंने इतने पैसे दिए तो भी नहीं किया भाई इसलिए, ये नहीं नहीं बातें हैं, इन लोगों की चर्चा रहती है, ये लोग जो है ना इधर से दूसरे आ रहे के दूसरे साल हमारे साहब कौन से मैं अपने वोटर साहब वोटर साहब वापस आने हां ट्रांसफर नहीं बोलोगे नहीं साहब एक बात पूछूं मैं बुरा मत मानना सब जाते उनके पास, उनके पास रहती मंजूरी मंजूरी जो भी, अभी जब मैं कोर्ट पे सील लेके गया तो पहले उसके पास जाना पड़ा। अच्छा ऐसा है खत्म रोल उनको मैं देख लेता लाखों वालों को, उनको साल में एक बार देखना पड़ता उनको, बार बार देखना पड़ता उनको। मैं बोला यार कितने हो गए, कितने हो गए तभी तुम हिसाब लगाओ, वकील के अगर 2 लाख है तुम्हारे वकील का किराया, एक हमारे 3 दिन पकड़ लो तुम, 3 त्रिक 9 क्या नदीम भाई मैं नहीं बोल सकता देने वाले वो देने वाले वो जो मेरे को मालूम पड़ा बाहर से कि उनके क्लोज है वो आईजी साहब क्लोज थे अभी जो आईजी साहब थे ना बदली हो गई उनकी अभी ये मैटर होना था अभी उसको समझता था क्या होने वाला था आईजी कौन है आईजी बोले थे इंस्पेक्टर ऑफ जनरल अभी वो मैटर होता था 5 जिले का दोस्त था आईजी वो इसका दोस्त था अभी बदली हो गई अभी अगर ये प्रकरण होता था ना तो ये तुम्हारी एफआईआर भी नहीं होती जो हमारा पहला तपास चल रहा है अच्छा ये एफआईआर होती है टाइम लगता था उसको टाइम लगता था कोर्ट से होता था फिर वो क्या करे ड्यूटी मतलब गाड़ी चाबी रो है जबरदस्ती की हो गई यार जबरदस्ती ये करने की इमीडिएट एक पूरा टाइम दे सकते हो टाइम मिलता कैसे अपन ने पहले कैसे 4 मिनट देते और 6 मिनट मिलते थे और मिलते 4 मिनट में अपन ने 4 मिनट दिया ना अच्छा मेरे को ऐसा लगा कि एडिशनल साहब यानी कि उसके आईजी से उसने जैक लगाया था आईजी साहब का नहीं आईजी का और आईजी साहब ने एडिशनल को फोन किया कि उनको बुलाओ या करो चौकसी करो मैटर में क्या है मैटर क्लोज करो आईजी वो आए नहीं 5 जिले का बॉस था वो उसके आईजी की सुननी पड़ेगी ना अरे भाई जब मैं गया था ना इसको लेके खत्म करो हमारी मीटिंग हो गई थी ये तुम नहीं आए थे दोनों चांद को लेके गया था मैं ये शायद तो मेरे को बोले वो कैसे के नहीं आए नहीं फिर हम गए थे ना
दूसरे दिन मैं गया ना, मतलब चार को बाहर भेजा, फिर मेरे को बोली, मेरे को पूछा पूरा मैटर, बोले सर ऐसे ऐसे उनका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो सर बोला दो तीन करोड़ का ये है, ये था बोला लेआउट का मैटर है, वो भी आदमी अच्छा है जो फिरियादी है, बोला वो भी अच्छा है कंप्यूटर, वो भी अच्छा है, ये भी आदमी अच्छा है, बोला दोनों भी है, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, पूरा दाखिल भी नहीं हो सकता अगर दोनों ने अगर एग्रीमेंट दिए तो ठीक है। बोले दोनों एक बार हजार महीने तो अपन अच्छा उसमें निकाल सकते, बोले कोई ना कोई रास्ता, आई जी साहब बोल रहे बोले इसको क्लियर कर दो, बोले मैं अभी कर दो, अगर नहीं होगा मैं तुम्हारे अर्जा चौकसी, बोले तो क्या है तुम्हारा आपसी मेल कराना बिठाना, अगर तुमने अगर आदमी के खिलाफ में एक अर्ज दिया तो डायरेक्ट एफ आई आर करने के लिए दिक्कत देती नहीं तुम, अर्ज एफ आई आर करो डायरेक्ट आएंगे मेरी रिपोर्ट लो, मले जो दिया जी है पैसे त्याच्यामध्ये तुम्ही आहे, दुसरे पी आय साहेब आहेत आणि ये डी वाय एस पी आहेत, ये एडिशनल डी एस पी काय नाही ना, नाही तर मग तुम्ही अजून सांगाल नाही, तोहित भाई आहे, मेरे को मेरे को साफ साफ बताओ साहेब, नाही 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 देखेंगे बाद में उसका, नदीम भाई के हस्ते ले लो पैसे, लेकिन अपने अंदर अच्छा याच्या याच्या तो आता तीन भेटत आहे तुम्हाला उद्या, बस ठीक आहे, 3 लाख रुपये बरोबर आहे, तुम्हारी जमानत नहीं होंगी तो तुमकी सरेंडर होने वाली नहीं, उसको पता है, चाहे मैं उसको लाख बोलो उसको पता है, ये कोई सरेंडर होंगे नहीं, ये कोई जेल में जाएंगे नहीं, ये घूम फिर के आएंगे मेरे पास, कि उर्मी जी जानते हो वो जो हो गया हो गया, हमारे को तो बेल नहीं मिली क्योंकि हम हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, हमारे तुम कुछ ना कुछ करो ऐसा करके वो उसके पास जाने वाले हैं, तुम उसको लग रहा है, एक मिनट बात कर लूंगा, उसको लग रहा है ये बात, अगर आपकी जमानत हो जाती है तो फिर वो पॉइंट उसका खत्म हो जाएगा, जो पॉइंट पे वो आ रहा है अब आएंगे वो कॉम्प्रोमाइज पे स्टेप पे चलना, मैं वही तो फिर उसको मेरे को बात करने के लिए उसको मौका मिलेगा मेरे को, तब वो मेरी बात सुनेगा भी, अरे जान दो अभी तुम्हारे वो भी पड़ी रहेगी जमीन, तुमको तुम भी सेल नहीं कर सकते, वो भी सेल नहीं कर सकता, उन लोगों भी डूब गए, सीधा सीधा एक तो उसका मैटर क्लियर करना है, तो आपके आप बोलो क्या करना है उसमें, तो वो मेरे को बोलेगा भाई ऐसा ऐसा वैसा ऐसा, मतलब वैसा नहीं जमता करता हूँ, ऐसे करो मेरे को ये बात फिर उसको पता है, और मैं बोला मैं गारंटी लेता उसकी, वो क्लियर करके देखा 2 करोड़ का जो मैटर है वो मैं लेता, वो तो कोई सवाल नहीं है, वो वकील जान दो टकील जान दो तुम्हारा जान दो जो है वो इधर आओ, मेरे आपके 2-4 दिन में आरडी में बात नहीं हुई क्या, मैं जैसा सूरत गया तो बात होगी मेरे से, उसका फोन आया ना मेरे को तो कल ही आऊंगा उसका फोन, कल की परसों तारीख तारीख कैसी क्या मुझे तारीख जो बढ़ गई थी ना 22 तारीख थी उसमें, मैंने क्या बताऊँ पिछली बार मोहन राव को अच्छा ऑफर दिया, मैंने बोला उनको छोड़ो हटाओ जो तुम्हारा पैसा दिए वो तैयार है, तुम सिर्फ लोगों को रजिस्टर मार दो पूरा पैसा लेके जाओ, पैसा भी होता ना, मैं तो बोला वैसी बात, हाँ रजिस्टर बोले तो जैसे इसका इसके जो पैसे है वो अलग अलग, इसमें तो जो 72 लोग के प्लॉट है, हाँ जो रजिस्ट्री है जितना अमाउंट बचा है जिनका बचा है, हाँ पूरा जैसे 1/4 गया हुआ है तो बाकी का बचा है वो लोग लेंगे रजिस्ट्री कर देंगे, हाँ वो पैसा मैं तुम्हारा को देता, बोला पूरा प्लॉट वाला ऐसे करेंगे, हाँ तेरे को पूरा नहीं, ये बात कैसी बात कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम विचार करो ये बात का, एक मिनट आप लोग चेक दिए, अरे हाँ लोगों को प्लाट भी मिल जाएंगे, अपन भी सेफ हो जाएंगे, वो भी सेफ हो जाएगा, लोगों के प्लाट रहते क्योंकि अपने जो तुमने जो दिए उसको 1 करोड़ रुपया और जो अपन तुमने 1.5 करोड़ रुपये उससे प्लाट वालों से लिए, ठीक है तो जो भी है आप क्या करना है खत्म करना है, अपनी इज्जत बचाना है, जान दो नुकसान चलते मतलब लोगों को प्लाट रजिस्टर हो जाएगी ना, अपने 26 लाख रुपये बाकी थे ना आखिरी में जो इसने अपने को हिसाब करके दिया जनवरी में 26 लाख रुपये देके अपने को 50 प्लाट लेना था उससे रजिस्ट्री, मैं उसको 33 34 बोले उतने प्लॉट देने के लिए कभी भी तैयार हूँ 1 करोड़ के, इसके अलावा बात नहीं करता हूँ। दूसरी बात जो अपन अभी 2 करोड़ का विचार कर रहे वो भी अच्छा है, तुम्हारे पास अगर पैसे अकाउंट में पैसे वापस देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पैसे नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, सीधी सीधी बात है, वैसे तुमको ये मेरे को तैयार होना चाहिए कि उसको पता नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारे से कुछ डिस्कशन किया है, मैं बोलूंगा ठीक है उन्होंने ओके मैं कर लेता, मैं उसको भी जुबान में लूंगा, मेरे को किससे कोई लेन देन नहीं, मेरे को ना तुमसे वो मैटर में पैसे लेने ना उससे कुछ लेने हैं, ये रुपया भी लेना नहीं तुम्हारे से कोई ना परसेंटेज ना कुछ भी जो भी हुआ होगा वो खर्चे पानी तुमने दिए प्यार मोहब्बत से वो बस हो गया, मैं ना उसका वकील हूँ ना तुम्हारा वकील हूँ,